Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, welcome to Al-Razi Islamic School online teaching system. This video is for class 6. Students, how are you? I hope that you all are doing well and stay safe and healthy in your homes. Today we are going to start first unit of our book that is History of Computer from 18s to nineteen, From 80s to 90s, 70s. एटीसड द कैलकुलेटर अटैम्प टू बिकम द कंप्यूटर चार्ल्स बेबिज एन इंग्लिश मैथेमेटिशियन इज कंसीडर्ड कॉन्सेपचुअल फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर चार्ल्स बेबिज जो कि इंग्लिश मैथेमेटिशियन थे उनको कंसीडर किया गया एज अ कॉन्सेपचुअल फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का कॉन्सेपचुअल फादर कंसिडर किया गया उन्हें ही आउटलाइन अफॉर्मेट फॉर कंप्यूटर एंड टू मेक टू मैकेनिकल कंप्यूटर्स उन्होंने क्या किया उन्होंने आउटलाइन डिज़ाइन की जस्ट फॉर्मेट बनाया कंप्यूटर का जो जिसको अटैम्प करके टू डिफरेंट मैकेनिकल कंप्यूटर्स इन्वेंट किए गए ही कॉल दैम डिफरेंट इंजन एंडलाइ एनालाइटिकल इंजन एक को क्या नाम दिया गया इंजन और दूसरे को Analytical engine. He was unable to complete both, but all modern computers are built according to this format. वो इसको मुकम्मल करने में नाकाम रहे लेकिन अब तमाम computers इसी फॉर्मेट पे बनाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू तो दिस फॉर्मेट अब जितने भी कम्प्यूटर बनते हैं वो इसी फॉर्मेट पे डिज़ाइन किए जाते हैं वन ऑफ़ बेबज फ्रेंड एडाबारॉन वॉज़ फैसिनेटेड बाई हिस आइडिया एक उनकी फ्रेंड थी किसकी चार्ल्स बेबज की जिनका नाम था एडाबार उन्होंने जो है वो इनके आइडिए को फैसिनेट किया किस तरह थाट शी वॉज ओनली नाइनटीन जब वो नाइनटीन की थी शी लर्न इनफ अबाउट एनालिइटिकल इंजन और उन्होंने बहुत ज़्यादा लर्न uh, किया किसके बारे में एनालिटिकल इंजन के बारे में इंजन टू बिगिन फैशनिंग प्रोग्राम्स फॉर इट उनके लिए इंजन क्या था एक फैशनिंग प्रोग्राम था फॉर दिस शी इज़ कंसीडर फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर इन हिस्ट्री और जिसकी बिना पर वो एक पहली प्रोग्रामर डिज़ाइनर पूरी हिस्ट्री में बनी ठीक है स्टूडेंट्स कम ऑन द नेक्स्ट पेज पेज नंबर फाइव In eighteen ninety, an American doctor Harman Hollerith introduced Hollerith Desk. This was the first electromechanical data processing machine which is utilized jackward punched card for the purpose of computation. Doctor Hollerith formed a company for making these machines which एवेंचुअली बिकम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन और आई बी एम नाइनटीन एटीज के अंदर एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे डॉक्टर हर्मन जिन्होंने एक मशीन इंट्रोड्यूस की हॉलरथ डेस्क के नाम से जो कि एक फर्स्ट मशीन थी डेटा प्रोसेसिंग के लिए जिसको यूटिलाइज किया गया जैकवर्ड पॉइंट कार्ड के परपज़ के लिए और इन्होंने इसको फॉर्म किया कंपनी इसके बाद एक इवन एक कंपनी इन्होंने जो है वो डिज़ाइन की इसी नाम से और फिर इसके बाद इस आ, मशीन इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए इन्होंने एक अप्रोप्रिएट बल्कि एक इंटरनेशनल लेवल पे बिज़नेस शुरू किया जो कि कहलाता है आई बी एम यानी कि उन्होंने इस मशीन के थ्रू जो बिज़नेस इस मशीन को इतनी ज़्यादा कामयाबी हुई कि उन्होंने इस मशीन के थ्रू एक बाकायदा एक सेपरेट कंपनी बनाई और उसके बाद आ, इस बिज़नेस को आगे प्रोसीड किया 1941 बर्थ ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर द स्टेज इज सेट इन 1941 इन ब्रिटेन एल एंड ट्यूरिंग एम एच ए न्यूमैन अटॉमी फ्लावर्स कंप्लीटेड क्लासेस द फर्स्ट क्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग मशीन इट वॉज़ यूज ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू ब्रेक जर्मन कोर्ट्स नाइनटीन फोर्टी वन में एलन टर्निंग एम एच ए न्यू मैन एंड टॉमी फ्लार्लासेस इन्होंने क्लासेस कम्प्लीट किया जो कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग मशीन कहलाई और फिर उसके बाद क्या हुआ जब इन्होंने क्लासेस कम्प्लीट कर लिया फिर वो पूरी दुनिया में इवन वर्ल्ड वार पूरी दुनिया में ब्रेक हुआ और फिर उसके थ्रू क्या निकला एक जर्मन कोड निकला 1945 फोर्टी फाइव द मॉडर्न कंप्यूटर इज़ बॉर्न नाइनटीन फोर्टी फाइव में क्या हुआ एक मॉडर्न कंप्यूटर बॉर्न हुआ द टाइटल ऑफ फोर फादर ऑफ टूडेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इज़ यूजली अवॉर्डेड टू ई एन आई ए सी इट वॉज बिल्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया USA between nineteen forty three and nineteen forty five by two professors John marshley and J. Presper Eckert. Later, the two professors also made EDVAC, the first computer which stored its own program and was reprogrammable. Eventually, they formed their own company and build the first computer that could be regularly produced in a factory